सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कैरम लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। कैरम खेलते वक्त कुछ ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जो आपको बार बार मारने पड़ेंगे, बार बार आपको आएंगे और बार बार आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रोक्स भी होते हैं जो आपको कभी कभार आएंगे, कभी कभार आपको सवाल पूछेंगे। तो मेरा मकसद ये है, जो आपको बार बार आने वाला है उसमें तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए, है कि नहीं, और जो आपको कभी कभार आएंगे वो भी आपको आने चाहिए, लेकिन वो नहीं भी आते तो चल जाता है। तो कौन से ऐसे स्ट्रोक्स है, कौन सा ऐसा सिलेबस है आपका कैरम बोर्ड का, कौन से ऐसे स्ट्रोक्स है जो आपको आने वाले हैं बार बार, बार बार आपको देखने मिलेंगे और इनमें आपको मास्टरी हासिल करना है, तो उन्हीं स्ट्रोक्स के बारे में आज बात करेंगे ताकि कोई भी प्लेयर आपको आसानी से नहीं हरा पाए और ताकि आपका गेम अच्छा हो। सबसे पहला है आपका ब्रेक। ब्रेक की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ब्रेक जब आपका अच्छा होता है तो सामने वाले को भी थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई इसका ब्रेक इतना स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि सामने वाले को पोजीशन ही नहीं रहता और आपका सब खुला हुआ होता है, चाहे वो सिंगल का हो या फिर डबल का हो। ब्रेक अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रेक लगाने से लेके मारने से लेके सब चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो ब्रेक में आपको मास्टरी हासिल करना है। ब्रेक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ब्रेक कैसे करें या हाउ टू डू ब्रेक इन कैरम और आगे स्ट्राइक एंड पॉकेट लगा दो तो आपको मेरे ही वीडियो मिलेंगी, वीडियो देखो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में है स्ट्रेट कॉइंस, सीधी कॉइन। सीधी कॉइन मतलब बहुत लोग उसमें भी तकलीफ मतलब नहीं जाती है बहुत लोग को, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सीधी कॉइन आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और जिसकी स्ट्रेट कॉइन जाती है वो उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और सीधी कॉइन्स पे मतलब जो पीस पे आपका टर्न नहीं जाना चाहिए उस पे नहीं जाना चाहिए, जिस पीस पे टर्न रोटेट नहीं होना चाहिए उस पे नहीं होना चाहिए। तो यही मकसद है, जो आपके सर्कल के अंदर की जो कॉइन्स है वो कभी भी आपकी मिस नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेट कॉइन्स के लिए बेसिक का वीडियो मैं बना चुका हूँ कि बेसिक को स्टिक रह के मतलब बेसिक को फॉलो करते हुए हमेशा आपको स्ट्रेट कॉइन मारनी चाहिए तो आपकी कभी मिस नहीं होगी। तो स्ट्रेट कॉइन आपका दूसरा हो गया। उसके बाद में है जो आपकी लॉन्ग कॉइन्स है। लॉन्ग कॉइन्स मतलब कट, मैं एकदम डीप कट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कैरम में एकदम ज़्यादा नीचे रहती है वो तो आपको हार्ड ही रहेगी और वो हर टर्न नहीं जा सकती, लेकिन जो आपके सर्कल के ऊपर की कॉइन्स है वो तो आपको जानी चाहिए। तो वो जो है आपकी जो थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रेट कॉइन बोल सकते हो या फिर उसको आप कट भी बोल सकते हो, दोनों भी में आपको जो भी ठीक लगे आप बोल सकते हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और समझो स्ट्रेट कॉइन जा रही है, लॉन्ग ब्रेक सब अच्छा है, तो फिर ये आपकी सबसे पहली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो गई और आपका गेम ऐसा मतलब ये तीन में अगर आप अच्छे हैं तो इसको आपको क्लीन गेम बोला जाएगा। क्लीन गेम मतलब सीधी कॉइन्स में आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब मैं बात करूँगा थंबिंग की। थंबिंग मतलब जो हमारी बेस के नीचे की कॉइन होती है, तो ये भी ऐसी कॉइन है जिसमें हमारा टर्न रोटेट नहीं होना चाहिए। मकसद यही है कि जो कॉइन जाती है वो जानी ही चाहिए, तो थंबिंग भी ऐसी कॉइन है जिसमें आपका टर्न रोटेट नहीं होना चाहिए, तो थंबिंग की भी प्रैक्टिस करो, टेक्निक्स क्या है मैंने वीडियो बनाया है। तो थंबिंग हो गया आपका। उसके बाद में आपके है अब स्ट्राइकर से, तो हमारा सीधा कॉइन को हम मार रहे हैं तो जा रही है कॉइन, लेकिन अगला जो हमारा जो स्ट्रोक है वो है ग्लांस। ग्लांस की बात करूँगा, जिसको स्ट्रेट कॉइन जाती है और आपके ग्लांस भी अच्छे हैं तो कैरम की जान है ये ग्लांस। मतलब आप तो ग्लांस मार के पीस रिलीज करना है, पीस अपोनेंट को हार्ड करना है, बहुत सारे इसके एडवांटेज है। तो ग्लांस एक ऐसा स्ट्रोक है जो अगर आपको आता है, जिसमें अगर आपकी मास्टरी है तो आपके पास वो एक बेस है जिसको आप बोल सकते हो कि गेम की जान बोलते हैं ग्लांस स्ट्रोक को। मतलब कि आपके गेम में वो मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बहुत बड़ी पावर होती है अगर आपके ये सब अच्छे हैं और ग्लांस भी अच्छे हैं तो। ग्लांस है, उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रश। जब हम पीस को हार्ड स्ट्रोक करते हैं दूसरी पीस को और फिर हमारा स्ट्राइकर दूसरी पीस पे भेजते हैं तो वो होता है ग्लांस, लेकिन हम सिर्फ प्यार से टच करके अगर कोई कॉइन को मारते हैं तो उसको हम ब्रश करते हैं। मतलब प्यार से फैला के जो कॉइन को टच, एक कॉइन को टच करके दूसरी कॉइन को मारना है तो वो होता है ब्रश। तो ब्रश ग्लांस ये भी बहुत बड़ी मतलब स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर ये सब अभी तक सब सही है तो इसके बाद में ये तो हम सीधा सीधा मार रहे हैं। अब मैं बात करूंगा तो फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए, तो सबसे पहला है रिबॉन्ड रिटर्न जो हम लोग मारते हैं ना सिंपल, जब सामने के फ्रेम पे स्ट्राइकर मार के जो हमारी कॉइन जाती है तो रिबॉन्ड स्ट्रोक रिटर्न बोलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रिबॉन्ड के बाद में डबल, डबल मतलब सीधा सामने वाली फ्रेम पे पीस मार के जो हमारी बेस का पॉकेट है उसमें मारना है। तो डबल एक स्ट्रोक ऐसा स्ट्रोक है जो आपको बार बार सवाल पूछेगा, बार बार आएगा, और आपको अगर एंगल पता है, आपको कैसे मारना है पता है, और अगर आपकी जा रही है तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और मैं बता रहा हूँ बार बार आपको ये जो स्ट्रोक है ये सवाल पूछेंगे। और ऑप्शन कभी कभी क्या रहता है कि कट मारने के डबल मार, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप मार सकते हो, लेकिन डबल आपको बहुत बार मारने मिलेगा। उसके बाद में है हुक। हुक जब आपको डबल नहीं जा रहा होता है तब आपको पहले, अब हम डबल में हम स्ट्राइकर मार रहे थे, सॉरी कॉइन फ्रेम में मार रहे थे, लेकिन हुक में हमें स्ट्राइकर फ्रेम में मारना है और फिर पीस पॉकेट करना है,
तो हुक भी आपको आना चाहिए किस तरह मारना है वो। तो ये हो गया आपका। अब बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रोक्स की जो थोड़े से ट्रिकी से लगते हैं, जैसे पीस पॉकेट में चिटकी हुई है, सॉरी फ्रेम में चिटकी हुई है, तो हमें उसको पंच स्ट्रोक के मदद से पॉकेट करना पड़ेगा। पंच हो गया, स्लिप बोल सकते हो, तो ये भी एक ऐसा स्ट्रोक है जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद में है डबल टच। डबल टच मतलब जो कॉइन आपको कट से नहीं जा रही है तो, या फिर रॉन्ग है ऐसी कट नहीं लग रही है, तो आप उसको डबल टच मार सकते हो। तो ये जो ऐसे कुछ स्ट्रोक है जो अभी मैंने आपको बताया, जो आपकी बार बार आपको सवाल पूछेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रोक है जो आपको कभी कभार मारना है, उसमें है थर्ड क्रॉस डबल, या फिर आपके मतलब और भी जो रोटेशन वगैरह होता है, तो ये आपको कभी कभी आएगा और ये चैंपियन लेवल पे आता है। लेकिन जो आपको मैंने अभी जितने भी स्ट्रोक बताए, ये आपको बार बार आएंगे आपको खेलने के दौरान। ये बेसिक स्ट्रोक्स है, ये आपको मास्टरी आपकी होनी चाहिए। इसमें आपको ऐसे सवाल जॉब नहीं चाहिए, इसमें आपका 10 में से कम 7 से 8 बार ये सारी कॉइन जानी चाहिए। तो ये वो स्ट्रोक्स थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कैरम पे कॉइन कहीं भी हो तो आपको सिंगल डिफेंस करते आना चाहिए। और आपका पोजीशन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एक पीस से दूसरे पीस डिफेंस होती है, तो वो होता है डबल डिफेंस, यानी कि ग्लांस एक ऐसा स्ट्रोक है, कनेक्शन ऐसा स्ट्रोक है जिसको मारते हुए पीस डिफिकल्ट होते हैं। तो ये सिंगल डिफेंस हो गया, डबल डिफेंस हो गया, तो दोनों आपको आना चाहिए। और ये अगर आपने इतना कर लिया तो आपने एक इंटरमीडिएट लेवल के अनबीटेबल प्लेयर बन जाएंगे। मतलब कोई चैंपियन लेवल का प्लेयर है तो वो बात अलग है, तो उसके सामने आपको और अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन इतना आपने भी कर लिया तो भी बहुत है, आप एक अच्छे लेवल का प्लेयर बन जाएंगे अगर आपने ये सारे स्ट्रोक में प्रैक्टिस कर ली। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।